और जिस तरह से विपक्षी खेमे के विधायकों ने आसन पर चढ़कर जो पॉलिटिकल तांडव किया बिहार, उससे भी शर्मसार। और सारी चीजें अच्छी हैं एनडीए के अंदर, जो भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं वो परिवार के अंदर होती रहती हैं। बड़ी मजबूती से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार की जनता ने एनडीए को पुनः अपना मैंडेट दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूँ वसीम खान। मानसून सत्र चल रहा है, मौसम में थोड़ा ठंडापन है मगर राजनीति गलियारों में काफी गर्मी देखी जा रही है और सदन के अंदर तो कुछ ज्यादा ही गर्माहट देखी जा रही है। तमाम विपक्षी खेमा अब लगातार ये सुर राप रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफी मांगे, नहीं तो सभी के सामने माफी मंगवाएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ये कहते दिखाई दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते दिख जा रहे हैं। वहीं एनडीए में भी कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है, लगातार एनडीए खेमा पर भी सवाल उठ रहा है। अभी हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा जी हैं। सर, एनडीए में सब ठीक ठाक है ना? सब कुछ ठीक ठाक है। एनडीए चार घटक दलों के साथ आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बड़ी मजबूती के साथ बिहार के विकास के लिए काम कर रहा है और सारी चीज़ें अच्छी हैं एनडीए के अंदर, जो भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं वो परिवार के अंदर होती रहती हैं, कुछ बहुत अप्रत्याशित चीज़ नहीं है। आप अभी वसीम जी जिक्र कर रहे थे बिहार विधानसभा की बात का कि वहाँ विपक्ष के लोग अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री जी को या सरकार के लोगों को माफ़ी मांगनी चाहिए। देखिए, हमारा विपक्ष जो है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है बिहार के लिए, हमारा विपक्ष आधारहीन और विचारहीन है। हम सब जानते हैं विधानसभा परिसर के अंदर कोई भी कार्रवाई होती है विधानसभा अध्यक्ष के आदेश पर होती है। जो कुछ हुआ बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था, हम सब लोगों ने कड़े शब्दों में इसकी निंदा की थी। विधायकों के साथ जो सलूक हुआ उसकी भी, और जिस तरह से विपक्षी खेमे के विधायकों ने आसन पर चढ़कर जो पॉलिटिकल तांडव किया बिहार, उससे भी शर्मसार हुआ। देश के पटल पर भी बिहार की छवि धूमिल हुई। तो आचार समिति में मामला गया हुआ है, वीडियो फुटेज के आधार पर विधायकों पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो इन सारे मामलों में सरकार कहाँ आती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहाँ आते हैं? और इस तरह की बेसलेस बात अगर ये लोग करते हैं, अरे माफ़ी तो इन लोगों को मांगनी चाहिए अपने इस तरह के कृत्य के लिए, लेकिन ये लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे, ये लोग ढीठ हैं। खैर, आचार समिति में मामला गया हुआ है और हमें पूर्ण विश्वास है। और जिस तरह से ये लोग उंगली उठाते हैं विधानसभा अध्यक्ष की कार्रवाई पर, इसका सीधा मतलब है कि ये लोग आसन पर सवाल या निशान खड़ा कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इशारा किया और उसके बाद डंडे और कौन से, मैंने किस आँख से ये लोग इस तरह के इशारे को देख लेते हैं और समझ लेते हैं? अरे ये सब फालतू की बात है। परिसर के अंदर आदरणीय अध्यक्ष महोदय ही निर्णय लेते हैं सारी चीज़ों के लिए। मुख्यमंत्री जी भी इस तरह के रवैये से बेहद आहत हुए थे, कई बार उन्होंने कहा भी है, हम लोगों ने भी महसूस किया है इस बात को। तो ये सब इशारा इशारी इनकी तरफ चलता है, हमारे यहाँ इशारा इशारी नहीं चलता है। दो सिपाही पर कार्रवाई हुआ है अब तक, क्या सही लग रहा है कि उचित है कि दो ही सिपाही? कार्रवाई की प्रक्रिया अभी जारी है। विधानसभा अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि अभी प्राइमा फेशिया कार्रवाई की गई है, प्रथम दृष्टया जो मामला सामने आया है, और भी आगे कार्रवाई की जाएगी। और देखिए, जब हम न्यायालय में होते हैं या जब हम संवैधानिक पद पर बैठे किसी इंसान के फैसले के सामने खड़े होते हैं, तो उन्होंने एक फैसला लिया है और आसन का सम्मान हर किसी को करना चाहिए। देखिए, अध्यक्ष अगर किसी को बनाया जाता है तो उनका दायित्व होता है कि वो पक्ष और विपक्ष के बीच में समन्वय स्थापित करके कार्यवाही को आगे लेकर के चलें। अब वो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, संवैधानिक पद पर अगर कोई इंसान बैठा हुआ है, उन्होंने कोई फैसला लिया है, तो हर किसी को सम्मान करना चाहिए उसका। उस पर टीका टिप्पणी करना या सवालिया निशान खड़ा करना सीधा मतलब है कि आपको आसन के द्वारा लिए गए फैसले पर भरोसा नहीं है। इस वजह से हमने कोई टीका टिप्पणी उस फैसले पर नहीं की है। एनडीए खेमे में आप बोल रहे हैं सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है जी, और जहां तक मुकेश सहनी ये लगातार कहते दिखाई दे रहे कि उनकी बातें एनडीए गठबंधन में सुनी नहीं जाती, अफसर शाही की भी बातें अब निकल कर आ रही हैं। अब देखिए, आपके सामने मैं बैठा हूँ, सामने टीवी भी चल रहा है, एक प्रतिष्ठित चैनल में खबर क्या आ रही है? मुकेश सहनी जी ने अभी फिर से बयान दिया है। टीवी चैनल भले ही उसको अपना एजेंडा देने के लिए यूटर्न कह रहा हो, लेकिन मुकेश सहनी जी ने साफ साफ कहा है कि एनडीए के अंदर सारी चीज़ें ठीक हैं, हम मजबूती के साथ सरकार में हैं। अरे कुछ आंतरिक, आप ही अपने परिवार में रहते हैं वसीम जी, आपके यदि 5 दोस्त यार हैं कहीं आप बैठे हैं, तो कुछ तो उचनीच होती रहती है ना, घर के अंदर की बात होती है, घर के अंदर सलट जाती है। लेकिन ज़रा आप सोचिए कि मुकेश सहनी जी महागठबंधन से हमारी तरफ आए थे, महागठबंधन में मुकेश सहनी जी के साथ क्या सलूक किया गया था? होटल मौर्या का वो प्रेस वार्ता का सीन तो आपको याद होगा ही ना, जब उन्हें खड़ा होकर कहना पड़ा कि सन ऑफ मल्ला हाथी पिछड़ा के बेटे के पीठ में खंजर भोंका गया है। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी जी को छोटा रिचार्ज कह के संबोधित किया था।
आदरणीय मांझी जी के साथ क्या सलूक होता था, उपेंद्र कुशवाहा जी की जब पार्टी थी उनके साथ ये लोग क्या सलूक करते थे, किसी से छिपा हुआ है? महागठबंधन के लोग, खासकर राष्ट्रीय जनता दल के लोग, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी तिरस्कार की संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं। ये लोग कभी किसी को सम्मान देना नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ सभी लोगों का सम्मान है, मजबूती के साथ गठबंधन सरकार चल रही है, कोई समस्या नहीं है। अब इन सब मामलों पर विपक्ष को टिप्पणी करने की एक आदत सी हो गई है। भाई राजनीतिक वजूद को जिंदा रखना है तो कुछ करना तो पड़ेगा ना, यही मामला है बस। विपक्ष, एक आखिरी सवाल, विपक्ष ये कह रहा है कि मुकेश सहनी जी अगर आप कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं तो फिर एनडीए गठबंधन को छोड़कर वापस आ जाइए। वही बात तो मैंने आपको पूरी स्टोरी ब्रीफ की, इसके पीछे का आधार आप समझिए। मुकेश सहनी जी ने भी अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि पीठ में खंजर भोंकने वालों के साथ हम नहीं जाएंगे। अरे राष्ट्रीय जनता दल ने किसको सम्मान दिया है जरा बताइए? मैंने तीन घटक दलों का नाम लिया, कांग्रेस की क्या स्थिति कर दी थी? अरे राजद के इतने वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी जी, क्या कहा था राहुल गांधी जी के विषय में? राजद के किसी नेता और प्रवक्ता की हिम्मत नहीं हुई कि उसने आकर खंडन, वो करते आके ना खंडन कि भाई शिवानंद तिवारी जी का व्यक्तिगत बयान है। तो ये लोग हर एक पार्टी को तिरस्कृत करना जानते हैं, इनके साथ कोई भी इंसान सम्मान के साथ रह ही नहीं सकता है। दल के अंदर की क्या स्थिति है, क्या स्थिति कर दी थी जगदा बाबू के साथ? स्वर्गीय रघुवंश बाबू इतने सीनियर लीडर, एक लोटा जल कह दिया था। तो जो अपने दल के अंदर, अपने परिवार के अंदर, अपने गठबंधन के अंदर लोगों का सम्मान नहीं कर सकते, वो क्या लार टपका रहे हैं? वीआईपी पार्टी के विधायक है राजू सिंह, जो एक निजी चैनल में इंटरव्यू देते हुए कह रहे थे कि एनडीए में कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। कहा उन्होंने कि एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, अपनी पार्टी के अंदर की बात वो कर रहे थे, उनकी पार्टी के अंदर का मामला कुछ वो बता रहे थे। चूंकि वो उनकी पार्टी के अंदर का मामला है तो इस पर हमें क्या विशिष्टि का टिप्पणी करनी है? देखिए हम गठबंधन में होते हैं तो सारी पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व या बाकी प्रदेश के नेतृत्व के लोग बात करते हैं, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन अपनी पार्टी के अंदर का कोई अगर मामला होता है तो बेहतर वही बता पाएंगे। इस पर हमें कोई विशिष्टि का टिप्पणी नहीं करनी है। 5 साल सरकार चलेगी? 100% चलेगी। मैंने पहले ही आपको बड़ी मजबूती के साथ कहा, आपको कहीं कॉन्फिडेंस की कमी झलक रही है? बड़ी मजबूती से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार की जनता ने एनडीए को पुनः अपना मैंडेट दिया है। न्याय के साथ विकास के एजेंडे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, 5 साल मजबूती से बिहार के विकास के लिए काम करेंगे। हम जेडीयू कार्यालय में मौजूद हैं और हमारे साथ अभिषेक झा जी बातचीत करने के लिए मौजूद थे। इनसे हम बातचीत कर रहे थे और दावा कर रहे हैं कि 5 साल सरकार चलेगी, एनडीए काफ़ी मजबूती के साथ बिहार में विकास का कार्य करेगी। खैर, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। कैमरा पर्सन गुड्डू के साथ मैं वसीम खान, लाइव सिटीज़ पटना। और जिस तरह से विपक्षी खेमे के विधायकों ने आसन पर चढ़कर जो पॉलिटिकल तांडव किया बिहार, उससे भी शर्मसार। और सारी चीज़ें अच्छी हैं एनडीए के अंदर, जो भी थोड़ी बहुत बातें होती हैं वो परिवार के अंदर होती रहती हैं। बड़ी मजबूती से नीतीश कुमार जी के चेहरे पर बिहार की जनता ने एनडीए को पुनः अपना मैंडेट दिया है।